नमस्कार मित्रों, आपने स्मार्ट एजु मार्ट माप चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आप आ वीडियो में चर्चा करशू के 1 सप्टेम्बर गुजरात में तमाम स्कूलों खुल से, जे भूपेन्द्र सिंह चुड़ासमाए आपने जणाववामां आव्यु छे। 15 ऑगस्ट थी हायर सेकेंडरी कॉलेज में पण शिक्षण कार्य शुरुआत थई जशे तेवुं पण जणाववामां आव्यु छे। ते आपणे आ न्यूज आ वीडियो में चर्चा करीशुं क्यारे खुलशे अने ते कई। गुजरात सरकार राज्यभर की तमाम शालाओं आगामी 1 सप्टेम्बर में खोलवा निर्णय लीधो है। 15 ऑगस्ट सुधी में बधाज धोरणों की स्कूलों बंद रहे। 15 ऑगस्ट बाद पहला तबक्का में कॉलेज ने धोरण 10 और धोरण 12 शालाओं खोली मुकवामां आवशे। पछी 1 सप्टेम्बर धोरण 1-9 और धोरण 11 नी तमाम शालाओं फरी खुली जशे। राज्य में शिक्षण मंत्री भूपेन्द्रसिंह चुडासमा स्कूल खोलवा अंगे सवाल जवाब आपता आ वात जणावी के स्कूलों फी ने लईने पण भूपेन्द्रसिंह चुडासमाए महत्वनी माहिती आपी छे। सरकारे निर्देश आप्यो छे के राज्य में स्कूलों आ वर्षे फी नहीं वधारी शके। साथ ज स्कूल में संचालकों स्कूल में बाळकों के तेमना वालीओ पर फी भरवाने कोई दबाण नहीं नाखी शके। सप्टेम्बर महीना सुधी में फी वसूलवानुं दबाण पण नहीं बनावी शके। फी अथवा अन्य खर्चा माटे दबाण करती शाळाओ विरुद्ध आकरा पगला भरवामां आवशे। उपरांत स्कूलों एक साथ बधी फी भरवाने बदले दर महीने थोड़ी फी भरवानी सुविधा अपाशे। शिक्षण मंत्रीए कह्युं छे के पाठ्य पुस्तक के अन्य साहित्य ट्रांसपोर्टेशन यूनिफॉर्म माटे पण स्कूलों दबाण नहीं नाखे। राज्य में स्कूल ट्यूशन फी उपरांत अन्य खर्चनी मांग पण नहीं करी शके। बाळकोने वालीनी इच्छा तो एक साथ बधी फी भरवाने बदले दर महीने स्कूल में फी जमा करावी शकशे। शिक्षण मंत्रीए कह्युं छे के जो कोई शाळामां फी भरवाने लईने बाळकों पर दबाण कर्युं तो तेमनी विरुद्ध कार्यवाही करवामां आवशे। आना माटे राज्यनुं शिक्षण विभाग तमाम स्कूलों पर नजर राखशे तेवुं भूपेन्द्रसिंह चुडासमाए जणाव्युं छे। जेथी तमाम विद्यार्थीओ माटे 1 सप्टेम्બરથી શાળાઓ પણ ખુલી જશે તેવું ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ જણાવવામાં આવ્યું છે। બસ મિત્રો, આ વિડીયોમાં આટલું જ। જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં, ચેનલ પર નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને જજો, અને શૈક્ષણિક માહિતી માટે આપણી ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેથી તમને આવનાર તમામ વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલમાં મળતી રહે। ધન્યવાદ મિત્રો।